बॉलीवुड में ओरिजिनल गानों के रिमिक्स वर्जन को लेकर हमेशा ही बवाल देखने को मिलता है। कुछ दिनों पहले नेहा कक्कड़ ने फाल्गुनी पाठक के गाने मैंने पायल है छनकाई का रिमिक्स वर्जन रिलीज किया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। वहीं अब एक और गाने पर बवाल मच गया है। दरअसल हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने बॉलीवुड में फिर से कमबैक किया है। मुन्नी बदनाम से लेकर अनारकली डिस्को चली जैसे गानों से लोगों का दिल धड़काने वाली मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर आइटम सॉन्ग से धांसू कमबैक किया है। दरअसल मलाइका अरोड़ा ने आयुष्मान खुराना की फिल्म एन एक्शन हीरो में आइटम सॉन्ग कर कमबैक किया है, लेकिन मलाइका के इस गाने पर पाकिस्तान में बवाल हो गया है। बता दें कि मलाइका ने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए के रिमिक्स वर्जन में अपनी कातिल अदाएं दिखाई हैं। उनके हॉट मूव्स ने सर्दी में भी लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस गाने को हिट बनाने में मलाइका अरोड़ा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस गाने में मलाइका के डांस मूव्स देख लोग हैरान रह गए हैं। दर्शकों को ये गाना काफी पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये गाना कुछ रास नहीं आया। बता दें कि पाकिस्तान में इस रिमिक्स सॉन्ग को लेकर बवाल मचा हुआ है। आम लोगों के साथ साथ पाकिस्तान हस्तियां भी आप जैसा कोई गाने के रिमिक्स वर्जन पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स में शुमार अदनान सिद्दीकी भी मलाइका का गाना देख भड़क गए हैं। अदनान ने ट्वीट कर मलाइका के गाने पर गुस्सा जाहिर किया है। क्या हवा में कुछ है जो अचानक दुनिया परफेक्ट क्लासिक्स को बर्बाद करने पर तुली है? यहाँ तक कि रिक्रिएशन के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है। नाजिया हसन भी अपनी कब्र में करवट ले रही होंगी। #, आप जैसा कोई। बता दें कि मलाइका के इस गाने पर पाकिस्तानी यूजर्स भी भड़क गए हैं। उन्होंने लिखा, Exactly, it's a disgrace. Just shows people lack on initiative and lack skill knowledge in writing. It's easier to copy others, fine-tune the music, lack of creativity. लिखने वाले मर गए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अदनान भाई, you are absolutely spot on. I have just messaged exactly the same. This is pathetic rendition of an immortal classic number by the late stunning Nazia Hassan ji is absolutely atrocious. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, What is up with Bollywood and ruining our classics? Ayushman along with others involved should be ashamed. Please Bollywood stay away from our songs. वहीं एक और यूजर ने लिखा, Spot on absolute nuisance. हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को किताब लिखनी चाहिए गाने चोरी करने के तरीके। तो देखा आपने पाकिस्तान के लोग किस कदर मलाइका अरोड़ा के इस गाने पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बता दें कि फिल्म एन एक्शन हीरो के पॉपुलर सॉन्ग आप जैसा कोई गाने के रिमिक्स वर्जन को जहरा इस खान और अल्तमश फरीदी ने गाया है। बता दें कि ओरिजिनल गाना फिल्म कुर्बानी में सबसे पहले देखा गया था। ओरिजिनल गाने को पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन ने गाया था। साल 2000 में नाजिया का निधन हो गया था। नाजिया भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए आइकॉनिक सॉन्ग्स लोगों के पसंदीदा हैं। यही वजह है कि सिंगर के फैन रहे लोगों ने जब उनके आइकॉनिक गाने का रिमिक्स वर्जन सुना तो उनसे आलोचना किए बिना रहा नहीं गया। बताते चले कि मलाइका ने सॉन्ग आप जैसा कोई से 4 साल बाद पर्दे पर वापसी की है। इससे पहले उनका आइटम सॉन्ग 2018 में आई फिल्म पटाखा में देखा गया था। बता दें कि आयुष्मान की एन एक्शन हीरो को अनिरुद्ध अय्यर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में आयुष्मान और जयदीप अलावत भी अहम रोल में हैं। यह फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज होगी। खैर, देखने वाली बात तो अब यह होगी कि इस गाने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद कब तक जारी रहता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।